को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए। मैं हूं रज़ीन रज़ी और आज मैं आपसे गुफ्तगू करूंगा जहांगीर तरीन के मुस्तकबिल के हवाले से। जहांगीर तरीन चीनी स्कैंडल के हवाले से उनका नाम आया, उसके बाद उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, फिर उनके अराकीन की जानिब से जिन लोगों की जहांगीर तरीन के साथ वफादारी है, उन्होंने उनके साथ अदालतों में वो पेश भी हुए और उनके इजलास भी मुनक्किद हुए। लेकिन जहांगीर तरीन के हामियों की जो कल दो रोज कबल इमरान खान साहब के साथ मुलाकात हुई है वजीर अजम के साथ, उसमें कोई ब्रेक थ्रू नहीं हुआ। उन्हें किसी किस्म की जो है यकीन दहानी नहीं करवाई गई और वजीर अजम ने यह कहा कि उनके साथ नाइंसाफी नहीं होगी, लेकिन तहकीकात उसी तरह जारी रहेगी। हाँ, अलबत्ता एक मुतालबा उनका माना गया, वजीर अजम ने चीनी स्कैंडल की तहकीकात करने वाले अफसर को तब्दील कर दिया, लेकिन शहजाद अकबर की तब्दीली नहीं आई। और इसके बारे में शहजाद अकबर उनका बुनियादी मुतालबा था कि शहजाद अकबर को तब्दील किया जाए, जो उनका कहना था कि इंतकामी कार्रवाई कर रहे हैं। अब जहांगीर तरीन साहब क्या लाहम इख्तियार करेंगे, क्या वो इस उन कैपेसिटी में हैं कि वो अपने अराकीन असम्बली के जरिए दबाव बढ़ा सकें, कोई तब्दीली ला सकें? क्योंकि पंजाब में अगर तब्दीली लाने की वो बात करते हैं और वाकई उनके अराकीन असम्बली दबाव का सामना करते हैं, और जिस तरह वो कह रहे हैं कि मेरे साथ 30 से 40 अराकीन असम्बली मेरे साथ मौजूद हैं, जिसमें कौमी असम्बली के अरकान भी हैं, सूबाई असम्बली के अरकान भी हैं, तो क्या वो पंजाब में या मरकज में हुकूमतों को कोई नुकसान पहुंचा सकेंगे? और ये भी है कि अगर हुकूमतों को कोई खौफजदा करना चाहता है या कोई अपने खिलाफ मुकदमात खत्म कराना चाहता है और करप्शन के इल्जामात जो हैं उन पर वो हुकूमतों के खिलाफ सफारा होता है, तो क्या वो तनहा ये सारा कुछ कर सकेगा या उसके लिए उसे किसी ताकतवर इदारे की हिमायत दरकार होगी? देखना यही है कि आने वाले दिन जहांगीर तरीन के लिए कैसे होंगे, लेकिन गुमान यही है और ख्याल यही है कि उनके लिए मुश्किल वक्त आ रहा है।